गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन फ्री स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने वाले हम NTPC 2019 की जो आपको बताई जा रही 130,000 वैकेंसीज जो है आई हुई हैं। और फ्रेंड्स, आपने बहुत सारी जो है न्यूज़ चैनल पर, बहुत सारी जगहों पर आपने नोटिफिकेशन देख लिया होगा। तो फ्रेंड्स, उस नोटिफिकेशन के बारे में फुल डिटेल इस वीडियो में देखेंगे। और ये जो है ऑलरेडी बहुत सारे चैनल्स हैं, उनने ऑलरेडी ये डाल दिया है। लेकिन फ्रेंड्स, बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपने नहीं पढ़ी हैं या फिर उस नोटिफिकेशन में नहीं दी हुई हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक, क्योंकि पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। जैसे कि आपकी एग्ज़ाम फीस कब हो, क्या होगी, जनरल के लिए क्या रहेगी, SC ST के लिए क्या रहेगी, और आपका जो एग्ज़ाम है वो कब से कब तक होगा, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा, सारी डिटेल्स इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें GK GS मैथ रीजनिंग करंट अफेयर और टेक्निकल आता है, उन सभी की वीडियोस को आप अनअकैडमी में देख सकते हैं। अनअकैडमी पर जाने के लिए फ्रेंड्स, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा, उसे ज्वाइन करना होगा, उसके बाद आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी वीडियो की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री टेलीग्राम ग्रुप से। टेलीग्राम ग्रुप भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए चलेंगे ऑनलाइन और देखेंगे क्या न्यूज़ है। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं जागरण जोश जो वेबसाइट है उस पर आ चुके हैं। देखिए यहाँ पर, तो फ्रेंड्स देखिए, आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिख गया होगा जो आपको दिया गया था नोटिफिकेशन PDF की फॉर्म में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रेलवे द्वारा 130,000 रिक्तियों के लिए अधिसूचना जारी, पढ़ें पूरी डिटेल एवं करें ऑनलाइन आवेदन। तो ऑनलाइन आवेदन अभी नहीं आए हैं। देखिए डेट जो है कब की है, 21:07:40 की सुबह की है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरी जो है आपको दी हुई है। देखिए कौन कौन सी रिक्रूटमेंट है, बता देता हूँ आपको। रिक्रूटमेंट है, पैरामेडिकल है, Level 1 है जो ग्रुप डी जो आप दे रहे हैं, MI कैटेगरी है, ठीक है। अलग अलग कैटेगरीज हैं जिसके लिए ये 130,000 वैकेंसीज निकाली गई हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अभी भी मैं बता दूँ आपको कि अभी जो है जब भी कोई ऐसा नोटिफिकेशन आएगा कि कब एक्चुअल में कब आएंगी। देखिए अभी मैं आपको बता दूँ कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो जॉब है, देखिए यहाँ पे लिखा है सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि रेलवे ने 1,00,000 से अधिक यानी 1,30,000 से अधिक जो है वैकेंसीज निकाली हुई हैं। उल्लेखनीय है कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने रेलवे में कुल 2,30,000 पदों पर भर्ती किए जाने की घोषणा की है, जो मैं बता दूँ आपको 2019 में जो होंगी वो मात्र 1,50,000 वैकेंसी जो रहेंगी वो आएंगी, ठीक है। कितनी आएंगी, 1,50,000 या 2,00,000 के समथिंग वैकेंसीज आएंगी, ओके। और बाकी जितनी वैकेंसीज होंगी वो 2022 तक जो होंगी कंप्लीट होंगी, 2022 तक, हालांकि 20 भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जिसमें से फरवरी और मार्च 2019 तक प्रथम चरण के दौरान 1,31,428 पदों पर भर्ती के लिए कर लिया जाएगा। मतलब प्रथम चरण जो है 2019 का, जो आपको बता दूं 1,31,428 वैकेंसी जो हैं वो ऑलरेडी जो फिल होंगी, उसका पहला चरण यानी कि फर्स्ट स्टेज जो होगी वो आपका अब वो कर ली जाएगी फरवरी मार्च में। तो फरवरी मार्च में तो नहीं की जाएगी, मैं आप बता दूं आपको, वो लगभग आज से 4 महीने बाद ही किया जाएगा, ठीक है। कितने महीने बाद, 4 महीने बाद ही किया जाएगा, यहाँ पर लिखा जरूर है लेकिन नहीं किया जाएगा, ठीक है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने रोजगार समाचार के माध्यम से 1,30,000 भर्ती हजार जो रिक्तियों पदों के लिए आधिकारिक सूचना जारी की है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने विज्ञापन संख्या जो है अब 2019 आएगा, ठीक है। 2019 जो है JEE के लिए आ चुका है, और 2020 जो CN2 जो है और CN3 जो है और CN4 के अंतर्गत आधिकारिक सूचना जारी किया है। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब आपको पहले 18 दिखता था, 19 दिखेगा, ठीक है। तो ये 4 अलग अलग वैकेंसीज आएंगी, ठीक है। एक आ चुकी है, ठीक है, JEE की जो है, फिर दूसरी आएगी, तीसरी आएगी और ये चौथी आएगी, ठीक है। 4 तरह के नोटिफिकेशन आएंगे जो CEN कर होते हैं, ओके। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या है, अब ये पूरी डिटेल देख लेते हैं। तो रिक्तियों के बारे में देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर देखिए नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी जो है वो जो NTPC की है उसमें 30,000 वैकेंसीज हैं, ठीक है। और इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज और पैरामेडिकल स्टाफ है, मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी है, तो यहाँ पर जो है
अलग अलग कर कर चार वैकेंसीज ये इन्होंने दी हुई हैं, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन जो होंगे इस प्रकार आएंगे, मतलब CN01, CN02, CN03 और CN01, यानी कि लेवल वन जो है ग्रुप डी का जो रहेगा, लेवल वन जो रहेगा ग्रुप डी और ग्रुप सी का भी इसमें आई होप इसमें होना चाहिए। तो ये कि यहाँ पर 100,000 वैकेंसी होंगी, कितनी होंगी 100,000 वैकेंसीज यहाँ पर होने वाली है लेवल वन की पोस्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है और यहाँ पर देखिए इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार संबंधित आरआरबी एवं आरआरआरसी के द्वारा रेलवे द्वारा घोषित इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बता दो, देखिए एक चीज़ और जो इम्पॉर्टेंट है कि आपसे फीस कितनी ली जाएगी, मतलब आपका फीस कितनी होगी। तो देखिए जनरल के लिए 500 फीस रहेगी, SC OBC के लिए 250 जो है वो फी रहेगी, ठीक है। ये रिफंडेबल होगी और इसमें से 400 रिफंडेबल होगा जनरल के लिए, ठीक है। ये टोटल रिफंडेबल होगी और ये होगा मात्र जनरल के लिए रिफंडेबल, कब, जब स्टेज वन आप कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। ओके, अब इसके बाद में और नीचे जो इन्फॉर्मेशन है वो देखेंगे। चरण टू देखिए यहाँ पर, यानी कि स्टेज टू होगा मई जून में नहीं होगा, ठीक है। मई जून में हो सकता है क्योंकि 2020 लग गई है, शुरू होगा और जो जुलाई अगस्त 2021 तक पूरा हो जाएगा, मतलब 2021 तक पूरी हो जाएंगी और जो बची हुई 99,000 रिक्तियाँ हैं वो बाद में भरी जाएंगी, ठीक है। आगे देखेंगे और भी देखिए यहाँ पर जो रेलवे भर्ती जो है 2019 1627 बेस्ट सेंट्रल रेलवे और अन्य में जो भर्तियाँ हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन दी रखी है। ओके, और यहाँ पर रोजगार समाचार से या फिर कहीं से भी आप जाकर ये सारी रिक्तियों की जो है नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई थिंक फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। जो भी आपके सवाल हैं, जो भी आपके कमेंट हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा और आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं, जिससे आप मुझसे बातें भी कर सकते हैं और सारे कमेंट भी मुझे बता सकते हैं, जिससे कि हम और भी आपको वहाँ पर सूचना दें। अगर कोई भी ऐसी बात होगी जो इंपॉर्टेंट होगी तो मैं वीडियो बना दूंगा या फिर आपको टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।